राज्य हरेक दृष्टिकोण से जनकपुर के उपेक्षा करत आयल कह जनकपुरवासी उपराग करत आयल अह उपरागक बीच तीन मास पहिने साउन 13 में विद्युत प्राधिकरण से कैल एक घोषणा जनकपुरवासी के बहुत हर्षित कने छल। देशक अधिकांश स्थान में अत्यधिक मात्रा में लोड शेडिंग रहले अवस्था में जनकपुर नगर क्षेत्र के लोड शेडिंग मुक्त भेल कह घोषणा कैल गेल छल। ई खबर सबक लेल अप्रत्याशित छल, मुदा ई खबर खुशी सेहो ओतबे लौने छल। ओना तो पहिने जका तालिका अनुसार घंटों धरि लोड शेडिंग अखुन नै छैक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणक ई काज प्रशंसा योग्य अछि, मुदा किछु घंटा के फरक में बेर बेर कम समय के लेल लाइन काटबाक क्रम बढ़ला के बाद सर्वसाधारण लोड शेडिंग मुक्त भेल ई बातक आभास कर नहि पौने अछि। हो ही नहीं चाही, यदि घोषणा कर देलके त घोषणा अनुसार ओकरा काम कर चाही, यदि नहि त फनु कहौ कि अखनी हमरा फलना फलना कारण से हम मुक्त नहि कैलियै त एते रोज में हम एते मात्र लोड सेटिंग करब। बेर बेर बिजली एनाय जेनाय भ रहल विषय में नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर प्रमुख ठाम ठाम से जनकपुरक लेल बिजली आपूर्ति कयल गेला से एना भ रहल बतबै छथि। ई लोड शेडिंग मुक्त वाला जे बात छै, अपने जे कहलियै जे बीच बीच में लाइन जाइ छै, ई बस या कोनो दिन एहनो होइ छै जे 24 घंटा सप्लाई रहै छै, और तकर बाद यदि मानल जाए यदि हमर सबके सिस्टम हमर सबके सोर्स की छै धनसा जिला के एकटा छै, एकटा कोन छै ढलकेवर छै, मतलब लाइन आबो के सोर्स एकटा ढलकेवर मात्र छै, दोसर कोनो ऑप्शन नहि छै, और ओहो ढलकेवर में कखनो कटैया से पावर सप्लाई अबै छै, कखनो मुजफ्फरपुर से सप्लाई अबै छै, और कखनो नेपाली हेठौड़ा होइत सप्लाई अबै छै, और यदि एट ए टाइम कोनो एकटा सप्लाई मात्र भऽ सकैए, मानल जाए कटैया से सप्लाई आबि रहल छै और कटैया के काटि कऽ मुजफ्फरपुर के सप्लाई जोड़ा दै छै, या मुजफ्फरपुर के सप्लाई काटि कऽ जे मतलब नेपाली जेनरेशन उत्पादन छै ओ सप्लाई जोड़ के छै, तो ओई के लेल तो लाइन तो काटे पड़ते कनी काल के नहीं, ई काटो जोड़ के लिए मतलब प्रावधिक समस्या जे मतलब मैक्सिमम आधा घंटा या एक घंटा मात्र भ रहल छै, या ओहो कहियो काल के मात्र नहीं, विशेषतया हम सब 24 घंटा सप्लाई उपभोग कर रहल छी, अखन कोनो शेड्यूल नहीं छै, अखन एहि समय में निश्चित समय नहीं छै जे एहि समय में काटि लेबै छै, प्रावधिक त्रुटि अबै छै तखने हम मतलब ई लाइन कटाइ छी। प्रमुख झा जनकपुर में बिजली आपूर्ति में कोनो किसी में समस्या नहीं हुए एकर लेल ट्रांसफार्मर के क्षमता वृद्धि के प्रयास सेहो भ रहल जानकारी दै छथि। नहीं एना छै, आब तऽ बहुत 100% ई जे मतलब जेना एक सेकेंडो नहि काटे तऽ ओहिके लेल तऽ अपना सबके टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाही, अपना सबके सोर्स जे छै जेना मानल जाए कोनो चीज में एकटा यदि बैटरी से यदि कोनो बॉल पारे छिए या कोनो सिस्टम हम सब चालू करे छिए आ बैटरी यदि डाउन भ गेलै तो दोसर बैटरी तो रिप्लेसमेंट करबे तखने वो सिस्टम चालू कर सकै छी, और एगो बैटरी के साथ दोसर बैटरी में चेंज करे के दौरान में कुछ तो मतलब गैप तो हेतै, कुछ तो समय लगते, ताहिके लऽ कऽ एकटा चीज तो की चाही जे मल्टीपुल बैटरी मल्टीपुल सोर्स सिस्टम चाही, जेना जनकपुर नगर में सप्लाई आबक के सोर्स ढलके मात्रे नहीं बनाकर दोसर एकटा सोर्स बनाव पड़े, तेसर सोर्स बनाव पड़े, जाकि मतलब एगो यदि फेल भेले तो दोसर से लाली, दोसर फेल भेले तो तेसर से लाली, हमरा बुझाइए अइ चीज के कारण में कुछ समय लाग सकैए, लेकिन तत्काल मतलब जे सुधार करक के जे बात छै ओहिमे विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्र लागल छै, ओहिके लेल प्रमुख सहायक सबसँ पहिने नगर क्षेत्रमे जे ट्रांसफार्मर के क्षमता वृद्धि करैके जरूरी छै। जनकपुर के पूर्ण रूपमे लोड शेडिंग सँ मुक्त करेबाक प्रयासमे विद्युत चुहावट सेहो समस्या बनल प्राधिकरणक कथन अछि। लोड शेडिंग मुक्तक अनुभूति करेबाक लेल प्राधिकरण चुहावट नियंत्रण अभियान समेत चलौने अछि। ई साउन भादो आसी जे चुहावट प्रतिशत चली है जे मतलब विद्युत क्षेत्र में आषाढ़ तक में 49% चली है, जे अखन बढ़ कर 51% साउन में भ गेलै, तकर बाद
हमरा सबके ई चुहावट नियंत्रण अखन कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम अखन चल रहा है। प्रत्येक जिला में अखन चुहावट नियंत्रण के कार्यक्रम चल रहा है और परसू से मतलब ये शुक्र दिन से हम सब अई क्षेत्र में हमर सबके जनकपुर वितरण केन्द्र के कार्य क्षेत्र में सेहो चुहावट नियंत्रण कार्यक्रम एकदम व्यापक रूप से संचालन में है। अखन मतलब रिसीलिंग भ रहा है, डिमांड चुहावट भ रहा है, 10 गो फैक्ट्री में अपन जो स्वीकृत क्षमता से बेसी मतलब लोड उपभोग कैल केस में हम सब मतलब जरिमाना लगभग 5 लाख से ऊपर रुपया उद्योग में सेहो मतलब जरिमाना केने छे। और ये जेना काल्हे के बात कहल जाए तो 10 गो आदमी हुकिंग करत मतलब पकड़ायल छे, जैमे 10 गो मोटर, 10 गो फ्रिज ये सब लगाए सामान हम सब जफत कर चुकल छी। और ये कार्यक्रम आइयो भ रहल छै और ये निरंतर रूप से हेतै जाबत तक हमर सबके चुहावट के स्थिति नियंत्रण में नहीं हेतै। अखन जनकपुर क्षेत्र में 1 करोड़ यूनिट विद्युत आयात होत आयल अछि, जाहि में 50 लाख यूनिट बिक्री भ रहल अछि, तहिना 50 लाख यूनिट चुहावट भ रहल अछि। जनकपुर के पूर्ण रूप में लोड शेडिंग मुक्त करबाक लेल अखनो 40 मेगावाट विद्युत आवश्यक रहल प्राधिकरणक कथन अछि। जनकपुर में कयल गेल लोड शेडिंग मुक्त घोषणा साँचे के कार्यान्वयन करबाक लेल सर्वसाधारणक सहयोग सेहो ओतबे आवश्यक अछि। तैं जनकपुर क्षेत्र में होवला चुहावट नियंत्रण में जनकपुरवासी सँ सहयोगी के भूमिका निर्वाह करब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में उमेश श्रेष्ठक संग नवीन यादवक रिपोर्ट।